हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पजल के टॉपिक को, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो जो ये पजल है वो आपको 5 से 15 नंबर की देखने को मिलेगी क्लर्क के एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पजल कितने टाइप की होती है और किस टाइप की पजल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आपको लेक्चर कैसा लगता है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पजल कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट पजल होती है हमारे पास बॉक्स बेस्ड पजल, राइट। सेकंड होते हैं फ्लोर बेस्ड पजल, थर्ड होते हैं इसमें डे दिए होते हैं, मंथ दिए होता है और ईयर दिया होता है, तो उस बेस के ऊपर भी एक पजल बनती है। और नेक्स्ट आते हैं एज बेस्ड पजल, जिसमें एज दी होती है कुछ पर्सन की, तो उसके बेस के ऊपर हमें पजल्स को बनाना पड़ता है। जैसे कि दिया होता है कि एक पर्सन 40 साल का है, दूसरा 50 का है या 60 का है, तो उनके मतलब अलग अलग टाइप से पजल्स बनती है। तो उनके जो क्वेश्चन है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट जो पजल होते हैं वो है पजल बेस्ड ऑन कैटेगरी। जो कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज दी होती है, जैसे हाइट दी होगी, जो है बेस दिया होता है, लेंथ दी होती है, तो इन कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के बेस के ऊपर एक पजल बनती है, तो वो अलग टाइप की एक पजल होती है। इसके बाद आती है बस पजल, जिसमें हमारे पास कुछ हाइट दी होती है, उसका कलर दिया होता है और उनकी एज दी होती है, तो 3 वेरिएबल दिए होते हैं, तो उसके बेस के ऊपर भी एक पजल बनती है। और नेक्स्ट जो होती है वो है हमारे पास ब्लड रिलेशन के ऊपर पजल। एक ब्लड रिलेशन होता है, जो हमने टॉपिक पढ़ा था कल परसों ही अभी, कि ब्लड रिलेशन टॉपिक, तो उसके बेस के ऊपर भी एक पजल बनती है। उसके बाद होती है डिजाइन बेस्ड, डिजाइन बेस्ड होता है जैसे सैलरी और एक्सपीरियंस और उनकी जो है वो भी दी होती है, डेजिग्नेशन भी दी होती है, जैसे कि कोई क्लर्क है या फिर HR है या फिर कोई मैनेजर है या फिर असिस्टेंट मैनेजर है, तो ऐसी ऐसी पोस्टें दी होती है, तो उसके बेस के ऊपर एक पजल बनती है, राइट। उसके बाद आते हैं लाइन पजल। लाइन पजल ऐसी होती है, जैसे 2 लाइनें भी दी होती है, पैरेलल लाइन पजल भी होते हैं और एक सिंगल लाइन पजल भी होती है, तो इसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे होते हैं। बोलना नहीं होता है कि यहाँ पे 10 नंबर पर्सन बैठे हैं, पर कहाँ पे बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, वो पजल में पूरा घुमा फिरा के बताया होता है। और एक होते हैं पैरेलल बेस, पैरेलल बेस होते हैं एक यहाँ पे पर्सन है और एक यहाँ पे पर्सन है, एक साउथ की तरफ मुंह करके बैठा, एक नॉर्थ की तरफ। तो इसके बाद बताएंगे कि इनमें 5 पर्सन बैठे हैं, तो बताइए इनको मतलब हमने अरेंज करना होता, तो एक ऐसी पजल होती है। और एक होती है हमारे पास सर्कुलर बेस पजल। तो सर्कुलर बेस पजल तो बहुत ही ईजी होती है। देखिए, जैसे कि सर्कुलर बेस पजल आपने बहुत देखी होनी, एक सर्कुलर होता है, इसमें दी होते हैं पर्सन की, यहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं, 8 बंदे बैठे हैं, कुछ अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, राइट। तो अलग अलग टाइप की सर्कुलर पजल बनती है, राइट। और इसके बाद आती है मिक्स और अनसर्टेन पजल्स, राइट। कुछ मिक्स टाइप की पजल भी देखने को मिल जाती है एग्जाम में, राइट। तो जो पजल्स होते हैं ये आती हैं एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स की, राइट। आपको 3 से 4 पजल देखने को मिलेगी एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में, तो इसीलिए सबसे स्कोरिंग जो है ये रीजनिंग है, और बहुत ही डिफिकल्ट भी होती है। इनकी जो लैंग्वेज होती है वो आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपको जो है इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए कि पजल में बोला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ता है, इसका पैटर्न जानना पड़ता है कि पजल किस पैटर्न की है, राइट। वो कौन सी पजल है, सर्कुलर पजल है या एज बेस्ड है या मंथ बेस्ड है, जैसे भी पजल है वो आपको पता लगे। उसके बाद आपको उसका एक डायग्राम पता होना चाहिए कि यार इसका डायग्राम ऐसा बनता है, राइट। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले प्रोसीड करते हैं हम आज की पजल के ऊपर। तो आज जो हमने पजल ली है वो है डे बेस्ड, राइट। तो चलिए आज की पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए पजल क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको पजल की जो लैंग्वेज है वो समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात क्या हो रही थी, देर आर 7 पर्सन, यहाँ किसकी बात हो रही थी, 7 पर्सन की बात हो रही थी। यहाँ पे पर्सन कौन था, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 पर्सन है, और वो अटेंड करते हैं कोई मीटिंग, कहाँ पे, एक होटल है आगरा में, वहाँ पे वो मीटिंग को अटेंड करते हैं। और कौन कौन से डे में करते हैं, संडे को करते हैं, मंडे को करते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक वो जो क्या करते हैं, मीटिंग को अटेंड करते हैं, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग द वीक फ्रॉम मंडे, सो मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है, पर ये नहीं पता हमें कि किस ऑर्डर में हो रहा है, मंडे के बाद ट्यूसडे आ रहा है, वेडनेसडे को, कब भी किस भी मैनर में वो बैठ सकते हैं, राइट। उसके बाद ये तो होगी बात, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेन चीज़ के बारे में, यहाँ से होती है हमारी पजल स्टार्ट। तो यहाँ पे बता, पहले कि हमें पता लग गया कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बनाने पड़ेंगे, 7 डेज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कितने दिनों की बात हो रही थी, 7 डेज की बात हो रही, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था, मंडे से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंडे, यहाँ पे आएगा ट्यूसडे, यहाँ पे बनेगा जी वेडनेसडे, फिर आएगा जी थर्सडे, फिर बनेगा जी फ्राइडे,
फिर आएगा जी यहाँ पे सैटरडे, और लास्ट में बनेगा जी हमारे पास क्या, संडे। राइट, यहाँ पे आ गया जी संडे। तो अब हम डायग्राम को बनाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे तीन चार जो है लाइनें लगा लेंगे, ऐसे और ऐसे। राइट, ये क्यों लगाई वो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो लाइन है वो क्या बोलती है, बी अटेंड अ मीटिंग ऑन थर्सडे। जो बी है वो कब अटेंड करता है मीटिंग को, थर्सडे को अटेंड करता है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने थर्सडे को बी, थर्सडे को बी, और यहाँ पे भी लिख दिया बी। राइट, इसके बाद चलते हैं जी, जब भी आपने पजल को सॉल्व करना है आप दो से तीन डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि दो तीन डायग्राम बनाने से ऐसा होता है कि तब आपको जो है एक डायग्राम ऐसा मिलेगा जो राइट हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद क्या बोल रही थी हमारे पास स्टेटमेंट, ओनली वन पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में ओनली वन पर्सन जो है मीटिंग को अटेंड कर रहा था। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाए थे तीन, तो देखिए अब या तो बी और जी के बीच में अगर एक पर्सन अटेंड कर रहा था तो या तो ट्यूसडे को भी जो है जी आ सकता था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ट्यूसडे को भी। अब देखिए, या तो सैटरडे को भी आ सकता था, क्योंकि बी और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे थे, ओनली वन पर्सन बैठा था। तो हमने लिख दिया या तो वो थर्सडे को, ट्यूसडे को आएगा, या तो वो फिर सैटरडे को आएगा। कौन, जी। राइट, जी कब अटेंड कर सकता है मीटिंग, या तो सैटरडे को या तो ट्यूसडे को, दो ही कंडीशन बन सकती हैं जी की। राइट, और बी और जी के बीच में कितने पर्सन है, ओनली वन पर्सन है। राइट, तो यहाँ तक हमें जो है स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, ए अटेंड द मीटिंग इमीडिएट आफ्टर जी। तो जी के बाद जो है इमीडिएट आफ्टर लिखा हो तो एकदम बाद में बोला, यहाँ पे कौन अटेंड कर रहा है मीटिंग, ए। तो यहाँ पे जी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे भी हम जी के बाद क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। राइट, तो दोनों कंडीशन, दोनों केस में हमारे पास कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड अ मीटिंग बिफोर ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड द मीटिंग आफ्टर सी। जो ए के पहले हैं वो भी सेम पर्सन अटेंड कर रहे हैं, राइट, और सी के बाद में वो भी सेम पर्सन जो है अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को। मीन्स कि सी, ए जितने पर्सन ए से पहले अटेंड कर रहे हैं और सी के बाद में कर रहे हैं, वो सेम नंबर ऑफ पर्सन है। तो यहाँ पर देखिए, ए के पहले कितने कर रहे थे, दो कर रहे थे, तो अब हमें सी के बाद में भी कितने करने पड़ेंगे, दो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास सी। सी कहाँ पे आ जाएगा इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, ये जो हमारे पास फर्स्ट केस था इसमें आ गया फ्राइडे को सी आ गया। और देखिए, अगर हमारे पास जो सेकेंड केस था इसमें जो है ए कहाँ पे आ रहा था, संडे को आ रहा था, तो इसके बाद कोई भी पर्सन नहीं था, तो इसका मतलब जो सी है वो कहाँ पे आएगा, वो मंडे को आएगा, क्योंकि इसके पहले भी कोई भी पर्सन नहीं है। राइट, तो इसलिए दोनों के बीच में कितने पर्सन हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे भी देखो आप, ए और सी के बीच में जो है सेम पर्सन है। राइट, यहाँ पे बोले भी क्या थे कंडीशन में, कि जो ए एंड सी है उनके बीच में जो है सेम नंबर ऑफ पर्सन जो है पहले और बाद में बैठ रहे हैं। राइट, तो वो हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, कि देखिए क्या बोला था यहाँ पे, ए के पहले जो है सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं और सी के बाद में। तो यहाँ पे देखिए, सी के बाद दो बैठे हैं और ए के पहले भी दो बैठे हैं। यहाँ पे भी देखिए, सी के बाद में कोई नहीं बैठा और ए के बाद में भी कोई नहीं बैठा सेकंड नंबर स्टेटमेंट में। तो यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, ओनली वन पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन सी एंड डी। तो यहाँ पे क्या बोला, सी और डी के बीच में ओनली वन पर्सन जो है अटेंड कर रहा है मीटिंग को। तो देखिए, ये था हमारे पास सी और ये था हमारे पास, अब डी कहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ पे था, तो डी हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि सी और डी के बीच में कौन पर्सन अटेंड कर रहा था मीटिंग, ओनली वन पर्सन कर रहा था। तो इसलिए हमारे पास सेकंड केस में डी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और फर्स्ट केस में हमारे पास डी कहाँ पे आएगा, देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास सी और डी के बीच में अगर एक पर्सन बैठाना हो तो हम वेडनेसडे को तो उसको बैठा नहीं सकते, क्योंकि बुधवार को कौन आ रहा था यहाँ पे, ए आ रहा था। राइट, तो इसलिए हमारे पास सी और डी की कंडीशन कहाँ पे बनेगी, फर्स्ट केस में डी बनेगा जी, संडे को मीटिंग अटेंड कर रहा था कौन, डी, फर्स्ट वाले केस में। राइट, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन के ऊपर, कि एफ अटेंड द मीटिंग आफ्टर डी। जो एफ है वो किसके बाद अटेंड कर रहा है मीटिंग, डी के बाद कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट केस को देखें अब, तो यहाँ पे एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो एफ आ नहीं सकता, तो कोई भी जगह नहीं बची है। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट केस है वो क्या हो गया, गलत हो गया। और जब हम चेक करेंगे सेकंड वाले केस में, कि डी के बाद एफ की कोई वेकेंट सीट थी, हाँ देखिए यहाँ पे बी के बाद वेकेंट थी, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे आ सकता है। राइट, तो क्या बोला था यहाँ पे, कि एफ अटेंड द मीटिंग आफ्टर डी।
कि डी के बाद जो है एफ अटेंड करता है, ऐसा नहीं बोला कि कहाँ पे करता है, पर आफ्टर बोला है कब, बाद में करता है, तो बाद में एक ही जो है जगह यहाँ पे वेकेंट थी तो वहाँ पे आ गया एफ, और यहाँ पे जो लास्ट में बच गया हमारे पास रिमेनिंग जो वेरिएबल वो बचा ई, तो ई की पोजीशन आ जाएगी सी के नीचे, क्योंकि एक ही जगह खाली थी जो कि किसके लिए रह गई थी, ई के लिए रह गई थी। तो हमारे पास जो लास्ट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या बनी स्टेटमेंट, ये वाली हमारे पास पूरा डायग्राम बन चुका है कि कौन कौन पर्सन किस किस डे को मीटिंग को अटेंड कर रहा था, राइट। तो ये वाला जो मैं डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसको मैं रेड से ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, राइट। तो ये बना हमारे पास सेकेंड वाला केस, राइट केस। अब इसी केस के ऊपर हम क्या करेंगे, आंसर देंगे क्वेश्चन का। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे ई हैव टू अटेंड द मीटिंग, कौन से डे में ई जो है अटेंड कर रहा था मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ई क्या आया था, यहाँ पे आया था हमारे पास ई का कब दे रहा था, ट्यूसडे को दे रहा था। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ई अटेंड कर रहा था मीटिंग कौन, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग एज टू अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे, कौन सा सब पर्सन है जो सैटरडे को मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो देखिए हमारे पास ये है हमारे पास केस बना हुआ, तो ये था मंडे, ये था ट्यूसडे, ये था वेडनेसडे, ये थर्सडे था, ये फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे को कौन कर रहा था यहाँ पे सेकेंड वाले केस में, जी कर रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, जी हो गया, राइट। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या हो रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज डी हैव अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे बोल रहा है कि डी कौन से डे में मीटिंग को अटेंड करता है। तो देखिए हमारे पास डी कौन से डे को कर रहा था मीटिंग को अटेंड, ये हमारे पास सेकेंड वाले केस में डी यहाँ पे था ये वाला, तो डी का कौन सा आ रहा था यहाँ पे डे, बैलेंस डे आ रहा था। तो हमारा राइट के आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस डे, राइट। डी कब अटेंड कर रहा था मीटिंग, बैलेंस डे को कर रहा था, राइट। क्वेश्चन बोल रहा था हमारे पास, जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो क्या बोल रहा था, हाउ मैनी पीपल डू अटेंड द मीटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में कितने नंबर ऑफ पीपल जो है अटेंड कर रहे थे मीटिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने डायग्राम के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास बी कहाँ पे था, ये था हमारे पास बी, ये आगे हमारे पास यहाँ पे बी, और उसके बाद ए कहाँ था, ए था हमारे पास यहाँ पे। तो बी और ए के बीच में कितने पर्सन थे, ओनली टू पर्सन आ रहे थे, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, टू पर्सन। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर भी क्या है, टू पर्सन, राइट। तो इस तरीके की पजल जो है डे की पजल बनती है। तो ये थी हमने ली हुई आज के लिए एक पजल जो कि डे बेस्ड थी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप की पजल्स आते हैं, और जो बाकी पजल्स रह जाते हैं इनको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।